दोस्तों दिप्ति एकेडमी आपके लिए लेकर आता है सही और सटीक जानकारी। कई लोगों ने हमको पिछले वीडियो में कमेंट किया था कि आपने फेक न्यूज डाल दी है। दोस्तों हम फेक न्यूज नहीं डालते हैं, कोई अगर फेक न्यूज डालता है तो हम उसके बारे में बताते हैं कि यहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं या फेक न्यूज के बारे में हम आपको अवेयर करते हैं। दोस्तों हम आपको बताएंगे आखिर की पीबी के पहले जो निरस्तीकरण की रिपोर्ट आई थी वो कहाँ से मिली थी और पीबी ने उसका आधिकारिक बयान क्या दिया है, सारी डाउट आज हम क्लियर कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप एमपी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षक वर्ग एक शिक्षक वर्ग दो के लिए हम आपको टेस्ट सीरीज में छूट भी दिलवाएंगे। एमपी परीक्षा की ऐप, एमपी परीक्षा ऐप को आप डाउनलोड करें, यहां पर आप व्यापम के 50,000 से अधिक निःशुल्क प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, परीक्षा का डेली डोज मिलता है और लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलती है। तो यहाँ पर एक कोड है, आपको वो कोड यूज करना है जिससे कि आपको ये फायदा मिल सके, DEE OCT B50। इसकी वैलिडिटी 31 अक्टूबर है और इसके बाद अगर आप ये ऐप डाउनलोड करते हैं तो नए कोड के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि जो हमारे पास परीक्षा निरस्त होने की कैंसिलेशन की न्यूज आई थी वो ऑथेंटिक जी न्यूज के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल जो कि GMP छत्तीसगढ़ है उसके माध्यम से आई थी। इसमें आपको दो ट्वीट दिख जाएंगे, मैं दोनों पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद हम इसके आगे बात करेंगे। चुनाव आचार संहिता से टली हाथ लगी सरकारी नौकरी, कई विभागों में चल रही भर्ती प्रक्रिया अटकी, 3,500 असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के ऑर्डर अटके, उप अंकेक्षक और लेखा सहायक परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा रुकी, एमपी एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ आईटी की भर्ती जिसको मैप आईटी परीक्षा वो निरस्त कर दी गई है, पहला ट्वीट। दूसरा ट्वीट अगर आप पढ़ेंगे तो चुनाव आचार संहिता से बेरोजगारों की उम्मीदें धराशायी, हजारों पोस्ट के लिए घोषित शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रक्रिया रद्द, आचार्य आदर्श जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा हुई रद्द, 2,00,000 अध्यापकों संविलियन प्रक्रिया रुकी। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा साफ साफ कि शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रक्रिया रद्द, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा भी हुई रद्द, 2,00,000 अध्यापकों का संविलियन प्रक्रिया रुका। तो दोस्तों ये पूरा दोनों ट्वीट आपके ऑथेंटिक जी जो एमपी छत्तीसगढ़ है उसकी ट्वीट के माध्यम से हमने आपको बताए हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें क्योंकि कई लोगों को संशय था कि न्यूज कहां से आई है। फिर भी दोस्तों हम बता दें कि पीवी के अधिकारियों के बातचीत के बाद ये निष्कर्ष निकला है कि ये परीक्षा बिल्कुल निरस्त नहीं होगी, ये कंटिन्यू चलेगी। हालांकि कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने इस परीक्षा पर ऑब्जेक्शन उठाया था क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस ने भी कई बार मुद्दों में बताया कि भावांतर जैसा छलावा, बेरोजगार साथ धोखा, बीजेपी ने केवल सपने दिखाए, नौकरी का वादा पूरा नहीं किया, 15 साल तक बीजेपी बेरोजगारों को सपने दिखाते रहे और भी कई। आपको पहले मैंने आपको बताया था कि इन लोगों का कहना यह है कि ये चुनावी दाना है जो कि भर्ती परीक्षा जो आजकल आ रही है सरकारी नौकरी उसके लिए देखते हुए। तो अगर दोस्तों कुछ बड़ा मुद्दा ना बने और अगर चाहे तो केवल हाईकोर्ट ही कुछ मुद्दे को लेकर इस पर ऑब्जेक्शन ले सकता है या बंदिश लगा सकती है, लेकिन अभी तक पीवी के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि यह परीक्षा निरस्त हुई है। तो प्लीज आप निश्चिंत होकर तैयारी करें और हमारा कूपन कोड जरूर यूज करें इस परीक्षा के, इस परीक्षा की तैयारी के लिए। ये इसमें आप 230 रुपए की जो टेस्ट सीरीज है वो मात्र 115 रुपए में प्राप्त कर सकते हैं और इसको डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पर जाकर एमपी परीक्षा एप्लीकेशन आपको दिख रही होगी, ये लोगो है उसका, इसको डाउनलोड आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और प्लीज इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।